यहाँ बारादरी और इज्जत नगर क्षेत्र में जो पॉश कॉलोनीज होती हैं, जैसे कि आशुतोष सिटी, ग्रीन पार्क, इनको टारगेट बनाता था एक गैंग, जो तीन लोगों का गैंग था। वो जैसे ही कोई छुट्टी पर जाता था या जैसे ही कुछ देर के लिए वो बाहर गया, उसने घर पे ताले लगाए, तो वो लगातार उस चीज़ की रेकी करते थे और कई माध्यम से वो रेकी करते थे। जैसे कि जस्ट वो तालों को ही नहीं नोटिस करते थे, वो ये भी देखते थे कि अगर एक दो दिन का अखबार उनके घर के आगे पड़ा हुआ है तो उसके आधार पर वो ये चीज़ का अनुमान लगा लेते थे कि ये व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिन में ही उस चीज़ की रेकी करते थे और दिन में ही अपनी घटनाओं को अंजाम देते थे। पॉश कॉलोनीज़ में एक पर्टिकुलर फीचर ये होता है कि वहाँ पर अगल बगल वाले लोग एक दूसरे से उतना ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है कि क्या हो रहा है अगल बगल, और इस एनोनिमिटी का फ़ायदा ये लोग उठाते थे और दिन में ही घटनाओं को अंजाम देते थे। इसमें तीन, इस गैंग में तीन लोग हैं, जिसमें कि जो मेन गैंग लीडर है इसमें वो है राजेंद्र, और बाकी दो लोग दीपक और दिलीप। ये लोग राजेंद्र रहने वाले संभल के हैं और ये बाकी दोनों अभियुक्त जो हैं वो अलीगंज बरेली के ही हैं।